नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय टीम अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला मैच 19 सितंबर से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने 280 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। मगर इस टेस्ट से पहले भारतीय फैंस के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है, यह मौसम को लेकर है। दरअसल टेस्ट मैच के दौरान इंद्रदेव जमकर बरस सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मैच का नतीजा निकालना मुश्किल होगा। फैंस के मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या टेस्ट मैच के दौरान पांचवें दिन बारिश की आशंका है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गाल में खेला गया। इस मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने 63 रनों से जीत हासिल की। मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 275 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम खेल के पांचवें दिन 211 रन पर सिमट गई। श्रीलंका की जीत के हीरो स्पिनर प्रभात जयसूर्या रहे, जिन्होंने इस मैच में कुल 9 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला 26 सितंबर से इसी मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का पहला कारोबारी दिन शानदार साबित हुआ। बीते शुक्रवार को पहली बार 84,000 का आंकड़ा पार करने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 84,980 के नए शिखर पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26,000 के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गया। बाजार में तेजी के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर SBI तक में जोरदार तेजी देखने को मिली। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। एशिया में मजबूती देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी 90 अंक उछलकर पहली बार 26,000 के पार निकला है। अमेरिकी बाजारों में से पॉजिटिव CUES मिल रहा है। डाओ और S&P 500 इंडेक्ट कॉल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। इसी बीच इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना पहुंचा। कॉमेक्स पर $2660 के करीब दाम। पेटीएम का कारोबार संचालित करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर प्राइस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को भी पेटीएम के शेयर बढ़त में खुले। बदलते हालात में पिछले सप्ताह भी इस स्टॉक में तेजी रही थी। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 2% की तेजी के साथ 665.00 के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। पेटीएम के शेयर पिछले एक माह में 25% बढ़े और पिछले 6 माह में यह स्टॉक 66% का रिटर्न दे चुका है। वित्त मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फर्म बिनसे पर बड़ी कार्रवाई की है। देश की वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों को नहीं मानने पर 18.82 करोड़ $2.25 मिलियन रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्यू ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। फ्यू की और जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिनसे के लिखित और मौखिक जवाब के बाद रिकॉर्ड पर उपलब्ध डेटा के आधार पर फ्यू इंडिया के निदेशक ने बिनसे के खिलाफ आरोपों को सही पाया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।